असलकम स्टूडेंट्स अगरचे हमने पहले बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मोस्टली ऑन द गो लर्न की जाती है और इवॉल्व होती है और सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो प्रैक्टिकल इस फील्ड में है उनमें से ज़्यादातर एग्री करते हैं कि प्लानिंग जो है उसका असल मकसद आपके हाथ में एक फिनिश्ड प्लान होना नहीं है उसका बुनियादी मकसद वो जो आइडियाज़ की थ्रेशिंग और फिर उनको जिस तरह से क्रिटिकली देखकर उनको बाकायदा कंक्रीट स्टेप्स में लाने की जो एक्सरसाइज है जिससे आप प्रॉब्लम को सोशल प्रॉब्लम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसे आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं उसके लिए पॉसिबल रिस्पॉन्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं और किस तरह आइडिया को इनोवेट करते हैं ये जो है बेसिकली प्लानिंग के अहम बेनिफिट्स हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हासिल होते हैं तो हम अगर चे आप कह सकते हैं कि ज्यूरी इज़ आउट ऑन के प्लानिंग या नो प्लानिंग इन बिटवीन हम बात करते हैं कि प्लानिंग असेंशियल है हमने पिछले मॉड्यूल्स में बात की कि अगर आपके पास प्लान हो तो बहुत सारी आसानियां जो हैं वो हो जाती हैं आगे चलने के हवाले से देर आर कंक्रीट रीज़न्स एक्चुअली टू प्लान तो नो प्लानिंग इवन जब आप कहते हैं तो भी दरअसल कोई ना कोई ब्लू प्रिंट एंटरपेनोर के जहन में ज़रूर होता है जिसको ले कर वो चलता है तो so, हम जो चार मेजर रीजनस हैं प्लानिंग की उनके ऊपर बात कर लेते हैं पहली रीज़न जो है वो प्लानिंग करने से आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और सस्टेनेबलिटी है वो इनक्रीज हो जाती है जब आप एंटिसिपेट कर रहे हों कि क्या चीज़ें हमने करनी है उसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और उनको किस तरह से एड्रेस करना है तो ऑफकोर्स आपकी स्ट्रेटजी जो है जो आपका स्ट्रेटजिक प्लान है उसमें वो सारे मेजर्स शामिल होते हैं उससे फेलर के चांसेस कम हो जाते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और अगर आपका सोशल वेंचर जो है वो सक्सेसफुल होता है तो उसके सस्टेन करने के चांसेस जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं दैट्स द वेरी फर्स्ट रीजन टू प्लान कि आपके सक्सेस के चांसेस उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है वो मैनेजेरियल्स जो लेवल है जो मैनेजेरियल लीडर्स हैं उनके लिए चेंज को करना आसान हो जाता है क्योंकि सोशल वेंचर्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हैं जैसे जैसे प्रॉब्लम की समझ आती है जैसे जैसे उसका रिस्पॉन्स होता है कम्युनिटी को उसका इम्पेक्ट आना शुरू होता है वैल्यू एडिशन होती है तो चीज़ें बदलती हैं ये जो तब्दीली है उसको मैनेजमेंट के लिए कोप करना उसके एकॉर्डिंगलीप्ट करना स्ट्रेटजीज़ को एडजस्ट करना रिसोर्स को एलोकेट और रीएलोकेट करना सारा जो अमल है वो ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो जाता है और अगेन ये कंट्रीब्यूट करता है सोशल वेंचर की सक्सेस की तरफ तीसरी रीज़न जो है वो एलोकेशन ऑफ वर्क जो है वो प्लानिंग के ज़रिए से आसान हो जाती है क्योंकि आपके सामने एक ब्लू है एक रफ़ स्केच ही कहले मौजूद है और आपके पास जो स्किल्स की आप कह सकते हैं इन्वेंट्री है वो भी मौजूद है आपको पता है सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे कि आपकी टीम में कौन है और आप क्या क्या टास्क इस वेंचर में करने जा रहे हैं तो उन टास्क को असाइन करना लोगों की कॉम्पटेंसी, उनकी स्किल्स और उनकी सलाहियत के मुताबिक या मेक श्योर sure करना कि हर काम जो आपने सोचा है प्लान किया है हर स्टेप जो ज़रूरी है टुवर्ड्स चेंज उसको कौन किस तरह से किस वक्त पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा तो ये जो एलोकेशन ऑफ टाइम ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्स ये एलोकेशन आसान हो जाती है और इसके नतीजे में अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है कि चूंकि हर किसी को अपना काम पता है उसकी टाइमिंग उसके लिए एलोकेटेड रिसोर्स तो लोग रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और अपनी जवाबदेही के लिए तैयार होते हैं उस टास्क को बेहतर तौर पर डिलीवर करते हैं इवन इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट टास्क लोगों के पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि उस टास्क को कैसे किया जा सकता है रिस्क जो एंटिसपेट हुए हुए होते हैं उसके साथ जो उनकी मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं वो उनके काम को आसान और मीनिंगफुल बना देती हैं प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि पूरा जो प्रोसेस है उसमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाती है अगर सोशल एंटरप्रेन्योर बग़ैर किसी प्लान के बग़ैर किसी ब्लू uh, प्रिंट के बग़ैर किसी स्केच के एक चीज़ को शुरू कर लेता है और जैसे हमने बहुत दफ़ा बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट ह्यूमन बींग्स इट्स अबाउट ह्यूमन लाइफ इट्स अबाउट वेल बींग इन द लाइफ ऑफ पीपल कम्यूनिटीज़ एंड सोसाइटीज़ तो आप ऐसे चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते ये नहीं हो सकता कि आप एडवेंचर्स कर रहे हो आप रिस्क ले रहे हो और आपके पास उनको अगर रिस्क जो है वो नेगेटिव हो तो उसको मिटिगेट करने की स्ट्रेटजी ना हो आपका एडवेंचर जो है वो मिस एडवेंचर्स में बदल जाए उससे लोगों को नुकसान पहुंचने का नतीजा हो आप पॉजिटिव चेंज सोच रहे थे कोई नेगेटिव चेंज जो है वो आ जाए सोशल एंटरप्रेन्योर ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो एक प्लान इनिशियल प्लान के बगैर मुमकिन नहीं है ये चार सॉलिड रीजन्स हैं जिनकी वजह से एक ऑफ़ कोर्स जितना बेहतर जितना स्ट्रेटेजिक प्लान होगा उतने ही आपके चांसेस जो हैं वो टू मेक द डिफरेंस वो बेहतर होते जाएंगे लेकिन एट बेसिक मिनिमम प्लानिंग करना इन चार वजहों से ज़रूरी है Thank you.